भाई लोग कैसे हो यार। तो यार आ चुके हैं एक और नए गैंग के साथ जिसका नाम है आइसक्रीम। ठीक है, मतलब भाई ये बेसिकली एक हॉरर गेम है जिसमें एक आइसक्रीम वाले अंकल एक बच्चे को कैद कर लेते हैं। अभी देखो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमें एक घर में छोड़ दिया है, नाउ लुक एट द विंडो, कर दिया वो तो मैंने। और ये रहे सामने आइसक्रीम वाले अंकल, ये देखिए भाई। और ये अजीब सा पता नहीं क्या मास्क जैसा पहना है, पूरा आइसक्रीम जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखो ये बच्चा लेने आया आइसक्रीम। और ये देखो भाई, ओ ये भाई, ये देखो ये क्या हरकत करता है। ओ ये क्या हो गया भाई साहब, ये जमा देता है। तो ये है भाई, ओ मेरे को देख लिया। ये मैं छुप गया भाई, सही गया, ये छुप गया, मेरे को पकड़ेगा वरना ये। ओके तो देख सकते हो इसने ये बच्चे को कैद कर लिया। तो इस गेम में हमें करना क्या, हमें इस बच्चे को एस्केप, मतलब वहां से एस्केप करवाना है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ करना होगा। ओके मेरे को रोप मिल गई, यू हैव ऑलरेडी हैव इट। ओके इंटरेक्ट, ओके इससे इंटरेक्ट करते हैं, चल नीचे चल। अरे भाई इसका कैसा घर है, रस्सी से नीचे कूदेगा क्या भाई, चोर के घर में हूँ मैं। बात तो सही है, बी केयरफुल। ओ क्या था, अच्छा छेद में जाना है। ठीक है अभी क्या आ रहा है, ओ ये इसकी वैन है। ठीक है ये अंकल, ये देखो भाई मटका के चलते, क्या कमरिया। ओके मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इसकी ये देखो पीछे वाला हिस्सा देखो रो तुम भाई, कैसा टेढ़ा टेढ़ा चलता, समझ नहीं आता मेरे को तो। वो इसने क्या फेंका भाई, गई इसने कुछ पेपर जैसा फेंका है, अभी देखता हूँ रुको। ओके यहाँ से हटा, नाउ प्रेस द बटन। ओके हो गया मैं एक्सिट, द आइसक्रीम मेकर हैज़ ड्रॉप द मैप, टेक इट सून, अच्छा टेक इट एज सून एज यू कैन। ओके गाइज यहाँ पे हमने मैप ले लिया, गो टू द वैन एंड प्लेस इट ऑन द मैप वॉल। ये कर दिया हमने प्ले। अरे भाई साहब, इसने आते ही आते पेल दिया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं इतनी जल्दी मर सकता हूँ। लेकिन इसमें तीन ट्राई होते हैं, मतलब तीन बार तुम बच सकते हो वरना फिर गेम ओवर हो जाता है। ओके तो अभी मैं वापस से जा रहा हूँ, तो बेसिकली यही करना है, अंकल से बचते रहने की स्पीड कम होती है। अरे इनने देख लिया, गधे के बच्चे ने देख लिया। अरे भाग, कहाँ भागूँ भाई मैं, आर यू सीरियस, नहीं मैं कहाँ भागूँ, ये आगे आ गया, ये ऊपर नहीं आता भाई, ये मजाक है क्या। अरे यार कहाँ से गाइस, मैं तो शुरू में ही पागल हो गया यार, इसने मेरे को दो बार पकड़ लिया, अभी मेरे पे दो ही लाइफ शायद बची है, मतलब एक बची है, उसके बाद एक और बार खेल सकते हैं इतना मेरे को पता है। तो अभी इससे बच के रहूँगा, सबसे पहले मैं छेद में ही छुप जाता हूँ। ठीक है, अरे भाई ये फिर आ गया यार, अब ये नहीं पकड़े, अब इसे नहीं पकड़ना होगा मेरे को, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। ओके ये पीछे गया शायद मेरे को देखने, पर इसे शायद पता नहीं मैं इस छोटी सी झोपड़ी में घुस चुका हूँ। ठीक है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, कहाँ है भाई ये अभी। ओके मेरे को नहीं लग रहा गाइस ये है शायद, अभी क्या निकलूँ क्या, रुको पहले से निकलने दो यहाँ से। ओके ये निकला, ये देखो भाई कैसे चलते हैं, भाई भाई कैसे चलते हैं, बुढ़े अभी तेरे को पता नहीं, बुढ़ा है जवान है। एक तो मुँह पे मुखौटा डाल रखा ना भाई ये। ओके गाइस यहाँ पे मैं निकल गया, और इसे जाने दो तभी मैं वैन में जाऊँगा। ठीक है ओके चला गया गाइस, फटाफट चलते चल घुस वैन में, ये है मैप और मैप से हम कहीं भी जा सकते हैं। कहाँ जाऊँ, ओके मैंने यहाँ पे शायद नेबरहुड पे किया ना, नहीं नेबरहुड पे तो मैं हूँ ही। गाइस हमने प्लेग्राउंड पे किया, ठीक है नेक्स्ट स्टॉप हमने कर दिया प्लेग्राउंड पे। तो आओ जरा प्लेग्राउंड को हम कर लेते हैं एक्सप्लोर। भाई साहब ये तो वैन ही ले आया पूरी। ओके अच्छा ऐसा है भाई, इसका मतलब मैंने देखा था कि ये है कैसा गेम। ओके वैन, ठीक है वैन ले आओ जरा एक्सप्लोर करते हैं, शायद मेरे को कुछ काम की चीज़ ही मिल जाए यहाँ से। अरे भाई गधा आ गई है यार, इसे जाने दो पहले वरना ये मेरे को पेल देगा यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप या। ओके ओ एक सामने छेद भी है, लेकिन अभी उसमें जाएंगे, पहले मेरे को आगे देखने दो, क्या पता मुझे आगे कुछ ना कुछ काम की चीज जरूर से मिले, है ना। अरे भाई साहब देख लिया गधे ने, ओके गाइस बुढ़े ने हमको देख लिया। तो अभी मैं यहाँ से रोटेशन दूंगा, देखो कैसी रोटेशन दूंगा मैं तकड़ी वाली, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। तो हाँ इस वाले गेम को मैं पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट दो या तीन वीडियो में ही खत्म कर देंगे। ठीक है और फिर इसके बाकी के भी हम पार्ट्स कंप्लीट कर देंगे। भाई साहब क्या चल रहा है, ओके आगे जा रहा है, तो गाइस इधर मैं अभी क्राउच होके जा रहा हूँ जिससे से साउंड नहीं पता चले, और मैं इसलिए हल्के भी, ओके इससे हल्के भी चलेगा। भाई क्यों रुक रहा है, अभी निकल ना, जा अपना काम कर जा निकल। अरे भाई जल्दी निकलेगा तू, आज निकल जाएगा क्यों, हेलो अंकल गए, ओके गया। ठीक है अभी मैं आगे जाऊंगा आराम आराम से, क्योंकि अभी राइट में गया, और अभी मैं ज़्यादा जल्दी करूंगा तो ये मेरे को पकड़ लेगा, तो मेरे को यहाँ पे स्पॉट नहीं होना। देख लेता हूँ इधर पड़ा क्या क्या, अरे क्या झूला है, आओ देखते हैं इसमें कुछ है क्या, गाइस झूले में कुछ है क्या,
क्या है झूले का फंडा? अरे भाई साहब झूले में तो कुछ है ही ना गई, इधर तो कुछ नहीं मिल रहा मेरे को, शायद से मेरे को लग नहीं रहा यार प्लेग्राउंड में है कुछ, मेरे को लग तो ऐसा ही रहा। ओ यहाँ पे क्रेन है, क्रेन के ऊपर जाके देखूँ, सामने तो पाइप लगे हैं, क्या क्रेन से कुछ होगा? आओ जरा चेक करते हैं। सो यस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्रेन की तरफ, और ये जैसे भी ये क्रेन है पता नहीं वह कुछ भी है, कुछ भी। ओके डोर खोल दिया गाइस यहाँ पे हमने, और तीन लीवर दिख रहे हैं और एक बटन, बटन दबाऊं? दिस बटन डज नथिंग विद द करंट पोजीशन। अच्छा तो लीवर की हमें पोजीशन सेट करनी है, लो तीनों कर दिए ऑन, अब तो होगा? अरे नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ? अगर बीच वाला हटाऊं तो हो रहा है, अरे अब भी नहीं हो रहा, ये हटाऊं अब हो रहा है, अब भी नहीं हो रहा, ये हटाऊं ओके, अगर बीच वाला सिर्फ रखूं तो क्या होगा? अरे अब भी नहीं हो रहा भाई, ये दो रखूं तब भी नहीं हो रहा, अगर गाइस सिर्फ लास्ट वाला हम रखें तो क्या? ओ भाई अब हुआ, इट हैज वर्क्ड, नाउ यू कैन क्रॉस द अदर साइड। ठीक है अच्छा मैं दूसरी साइड जा सकता हूँ, ओके देखते हैं। हाँ ये देखो मैंने आपसे कहा था पाइप है तो पाइप से जा सकते हैं, ठीक है यहाँ पे मैं पाइप से जा रहा हूँ पूरा, और यहाँ पे हम देख लेते हैं शायद से मेरे को कुछ मिल जाए, वैसे मेरे को लग ना रहा। ओके इसमें क्या है? अरे भाई झूलों में कुछ है क्या? अरे झूलों में घंटा कुछ नहीं है गाइज, मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे भी है कुछ, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से ना मुझे क्या लग रहा है, मेरे हिसाब से मुझे वो छेद एक्सप्लोर करना चाहिए, छेद की तरफ बढ़े क्या फिर क्या करें? जा पूछ क्या ना, इधर तो कुछ लक्षा रहा नहीं है, इधर कुछ नहीं है भाई मेरे, कुछ नहीं है यार। देखो यहाँ पे मैं आपको एक गधा बंद दिखाता हूँ, ये देखो इधर से मैं निकल रहा होता हूँ, इधर मैं मतलब एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, और ये देखो ये बुढ़ा मेरे को फिर पकड़ लेता है, और यहाँ पे मेरे को, मेरे पे लाइफ सिर्फ दो बची है, मैं दो भाई तीन बार पकड़ा गया यार पता नहीं कैसे। ओके आज शायद वो वाली काउंट नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं अजीब सी जगह में बंद हो चुकी, पूरा सोल्यूशन आपको मैं बताऊंगा देखते जाओ। तो यहाँ पे एक सामने मतलब पूरा बंद है, अभी यहाँ पे ड्रॉर्स में चेक करते हैं कुछ काम की चीज मेरे को मिल जाए। ओ ये क्या पड़ा है? इंसुलेटिंग टेप आ रहा है, अरे खोल ना भाई बंद क्यों कर रहा है ड्रॉर, जल्दी खोल। ओके ये गाइस हमें मिल चुका है इंसुलेटिंग टेप, और ये खोला हमने ये, और ये देखो केबल से हमने इस पर इंटरेक्ट किया, और ये गेट ऑटोमेटिकली ही खुल गया। क्या बात है सर, ये रहा सामने चच्चा और इनकी वैन। तो यहाँ पे देखो एक काम की चीज मिलने वाली है, अगर ये आपको कैप्चर कर देता है तो ये आपको एक स्टॉल नाम की जगह पे ले आता है जो कि मैप में है। तो इधर से मैं लेने आया था भाई पेट्रोल, असल में दिस वॉज माई पार्ट ऑफ प्लान, ठीक है यही था, यहाँ से मैं पेट्रोल कैन लेके जाऊँगा वैन में, और फिर हम वैन से जाएंगे पेट्रोल को यूज़, लेकिन पता नहीं मेरे को कहाँ ही होगा, लेकिन वो देखेंगे। और अब मैं जाऊँगा छेद में, ठीक है अब हम चलने वाले छेद में, तो अभी सबसे पहले जाते हैं प्लेग्राउंड में, देखते हैं भाई है क्या छेद में। ओके तो गाइस मैंने प्लेग्राउंड से पहले सोचा क्यों ना हम जाएं कैफेटेरिया में, यस तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कैफेटेरिया में, और ये एक कैफे टाइप की जगह है जहाँ पे हमें चाय कॉफ़ी मिलेगी, ठीक है मतलब मिलती नहीं है, है समझ लो तुम। और ये रहा सामने आइसक्रीम अंकल, ये गधा भाई से जाने दो तभी मैं कुछ करूँगा, वरना मेरे को फिर पकड़ लेगा। और यहाँ पे विंडो है, विंडो के थ्रू ये शायद मेरे को नहीं देख पा रहा है क्योंकि अभी तो ये सामने था, इसने मेरे को देखा नहीं। अरे क्यों आ रहा है इधर भाई, निकल जा तू, निकल जा, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाई ये कितनी देर लगा रहा? ओके भाई तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं रुका, और ये अब शायद जाने वाला है इधर वाले गेट से बाहर, तो इसलिए उससे पहले मैं यहाँ पे विंडो पे इंटरेक्ट करके गाइस हम पहुंच जाते हैं कैफेटेरिया में, और आओ कैफेटेरिया को हम कर लेते हैं एक्सप्लोर। ओ डब्बे में क्या? ओके डब्बे से भी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? मेरे को मिलेगा कुछ डब्बे में? आओ चेक कर लेते हैं भाई क्या है डब्बे में। अरे भाई भाई सीरे, अरे भाई यू फाउंड अ पीस ऑफ पेपर विद अ कोड, भाई साहब सीरियसली मेरे को कोड मिल गया, ये तो तुक्का था, और कोड इधर मशीन पे लगाना था ये तो मेरे को पता था। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है एक कॉइन, तो ये कॉइन पता है आपको कहाँ लगेगा? ये कॉइन लगने वाला है प्लेग्राउंड में, एक वो है एक मशीन है जिससे जूस निकलता है, तो उसमें हमें कॉइन डालना है क्या? नेक्स्ट टर्न विल बी ब्रेड। अच्छा इधर ब्रेड, तो वो वाला गेट नहीं खुल रहा, उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी कार्ड जैसा चाहिए, और नेक्स्ट टर्न है ब्रेड का, तो शायद गाइस हमें ब्रेड का यहाँ पे सिक्योरिटी कार्ड चाहिए। अच्छा पर वो मेरे को नहीं पता कहाँ मिलेगा, तो आओ कॉइन लेके चलते हैं सबसे पहले प्लेग्राउंड में, और देखते हैं अरे दिस एनिमी सो भाई क्यों है इतने पास, तू निकल ले ना पहले, आओ देखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखेंगे हम भाई कॉइन से मेरे को मिलेगा क्या, पहले से जाने दो ये घंटा क्यों लगा रहा है। अरे भाई निकल ना तू निकल ले गाइस, मेरे को कॉइन तो मिल गया, मेरे को बहुत ज़्यादा बेसब्री हो रही है कि इससे करेंगे क्या भाई, कॉइन से होता क्या है ज़िंदगी में, आओ देखते। अरे क्या क्या, चल निकल,
ओके अगर मैं अभी घुसूंगा तो ये मेरे को पकड़ लेगा, इसे थोड़ा और आगे जाने दो। हम आराम आराम से बढ़ते हैं और फिर घुसते हैं वैन में, और गाइस हम जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप। ओके जल्दी चल, जल्दी चल, यहाँ पे तू प्लेग्राउंड में जाओ ना, प्लेग्राउंड में जाना है ना। ओके काफ़ी है यहाँ पे तो, पार्किंग भी है, पार्किंग में जाएंगे पर हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम चलते हैं भाई प्लेग्राउंड में। तो यहाँ पे मैंने प्लेग्राउंड का स्टॉप मार दिया, और भाई ये वाला जो क्वाइन मेरे को मिला है ना इधर से, गाइस इस वाले क्वाइन का यूज़ है कि हमें इसे इस मशीन में डालना है। देखो सामने मशीन दिख रही है, इसमें डालना है और रिवॉर्ड देखेंगे भाई क्या मिले। तो गाइस बाकी का मैं कल कंटिन्यू करने वाला हूँ यहीं से, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को क्वाइन मिल चुका है और हम कल डाल के देखेंगे भाई मशीन में, और देखेंगे मशीन से हमें मिलेगा क्या रिवॉर्ड में। तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मार के जाना।